पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि अर्थ रोटेट करती है, यह तो हम सब जानते हैं। उसके घूमने से ही रात और दिन संभव होते हैं और हमारे हर रोज का जीवन चक्र चलता है। पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूमते हैं, लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पृथ्वी का घूमना बंद होने से सबसे पहले तो आपका वजन बढ़ जाएगा। हमारे ग्रह का घूमना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह आपको अपने जीवन को जीने के लिए समय दे रही है। पृथ्वी के इक्वेटर पर सब कुछ प्रति सेकंड 465 मीटर की तेजी से घूमता है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव प्रदेश यानी कि पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो आपको इक्वेटर के जितना घूमना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हवा में सीधा ऊपर घूमते हैं तो पृथ्वी अपनी जगह से आगे नहीं खिसकेगी, क्योंकि तब आप भी उसके साथ घूमना जारी रखेंगे। इसलिए अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह स्थिति बहुत ही भयानक होगी। सभी चीज़ें जो पृथ्वी से मजबूती से जुड़ी नहीं हैं, वे सब पृथ्वी के स्थिर हो जाने के बाद भी उसी गति से अपना मोशन जारी रखेंगी। वह सब चीज़ें 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में पश्चिम दिशा की तरफ उड़ जाएंगी। तब आपका शरीर अचानक से 1.5 इंच की गोली बन जाएगा, जिसकी गति सुपरसोनिक गति से भी ज़्यादा होगी। जो लोग विमान में होंगे उनको पृथ्वी का मलबा तो नहीं लगेगा, लेकिन वे अचानक से आते हवा के तेज झोंकों से नहीं बच पाएंगे। जो लोग अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में होंगे उनके लिए बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई भी नहीं बचेगा। पृथ्वी पर हर जगह तबाही मच जाएगी, चारों ओर मलबा ही मलबा होगा। जो लोग ध्रुव प्रदेशों में होंगे वह शायद बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। हवा के झोंके इतने तेज होंगे जितने परमाणु विस्फोट से पैदा होते हैं। दुनिया भर में एक बड़ा ही विशाल तूफान पैदा होगा। यह तूफान किसी भी मजबूत चीज को तबाह कर देगा। सूरज एक जगह पर स्थिर दिखेगा, एक दिन 24 घंटे की जगह 365 दिन का हो जाएगा। घूमना बंद हो जाने के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा और पृथ्वी पर घातक मात्रा में सूरज की रेडिएशन हमला कर देंगे। पृथ्वी के महासागरों में कई किलोमीटर जितनी ऊंची सुनामी लहरें पैदा होंगी और सारे सूखे इलाकों को तबाह कर देंगी। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और कोई किसी भी तरह का मौसम नहीं रहेगा। यह सब तब होगा जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पर ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है। पृथ्वी के घूमने की गति धीमी जरूर हो रही है, लेकिन यह गति बहुत ही ज़्यादा धीमी है। 140 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे नहीं होंगे, बल्कि वे बढ़कर 25 घंटे हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।